मतलब जो ये निरमा कॉलेज थी वो और जो धीरूभाई कॉलेज है वो दोनों प्राइवेट कॉलेज है और इसमें फ़ी भी बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो तो ही ट्राई करो कि इस कॉलेज में आए, और एस और अच्छी भी मतलब गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें आप ट्राई कर सकते हो। तो आज हम ऐसे ही एक गवर्नमेंट कॉलेज के रिव्यू देने वाले हैं, वो कॉलेज है DDU। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम DDU कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं। ये जो DDU कॉलेज है उसका फुल फॉर्म है धर्मसिंह देसाई यूनिवर्सिटी। तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो धर्मसिंह देसाई नामक एक बहुत ही बड़े पर्सनैलिटी है, उनके द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया है ये कॉलेज। और ये कॉलेज गुजरात में गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे बेस्ट गिना जाता है कॉलेज में। तो ये DDU जो कॉलेज है उसका हम जो रिव्यू वो स्टार्ट कर सकते हैं पहले इंटेक से। तो ये जो कॉलेज है उसमें कितनी ब्रांचेस के लिए कितनी कितनी सीट्स है, और पहले से बता दूँ कि ये जो कॉलेज है उसमें दो टाइप के सीट्स है, एक गवर्नमेंट सीट्स है और दूसरे सेल्फ फाइनेंस सीट्स है। तो वो दोनों का जो भी इंटेक है कि कितनी कितनी ब्रांच में कितनी कितनी सीट्स है, वो दोनों का जो चार्ट है वो आपको अकॉर्डिंगली यहाँ और यहाँ दिख जाएगा। तो आप इससे देख सकते हो कि कितनी ब्रांचेस में कितनी कितनी सीट्स है। तो अब इंटेक तो पता चल गया, तो अब हम सोचेंगे कि ये सीट में हम मतलब हमको इसमें से कोई सीट मिल सकती है या नहीं। तो लेट्स सी। तो इसमें दो टाइप है, पहले से बताया है, एक गवर्नमेंट है और दूसरा सेल्फ फाइनेंस है। जो गवर्नमेंट कोटा है उसमें क्या है कि 95% सीट है वो ACPC से मिलती है और 5% सीट JEE से मिलती है। लाइक तो एग्जाम्पल दे दूँ कि अगर एक ब्रांच है उसमें 60 सीट्स है, तो 60 सीट्स में से जो 3 सीट है वो JEE से भरेगी और जो बाकी के सीट है वो ACPC से आएगी। तो अगर आपके JEE में भी अच्छे परसेंटेज आए हैं तो आप ACPC की जो प्रोसेस है उसमें JEE टिक करके JEE से इसमें एडमिशन ले सकते हो, और एज अगर आपको ACPC से लेना हो तो ACPC से भी इसमें ले सकते हो, और सेल्फ फाइनेंस में भी ACPC से मिल सकता है। तो जो ACPC से गवर्नमेंट कॉलेज में मिलता है वो और सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में मिलता है वो दोनों का जो कट ऑफ है वो आपको यहाँ और यहाँ मिल जाएगा। हाँ, जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें जो कट ऑफ है वो कम है इन कंपेरिजन ऑफ सेल्फ फाइनेंस। सो ये दिखाता है कि अगर आपको DDU में पहले गवर्नमेंट कॉलेज में मिलता है गवर्नमेंट सीट्स पे, तो आप पहले वही प्रीफर करो ना कि सेल्फ फाइनेंस, क्योंकि उसके फ़ी में बहुत डिफरेंस है, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो अब बात करते हैं फीस के बारे में। तो फीस में फर्स्टली जो गवर्नमेंट कोटा है, गवर्नमेंट कोटा में जो बॉयज़ होते हैं तो बॉयज़ के लिए जो ट्यूशन फ़ी होती है वो 1500 रुपये पर सेम होती है, और गर्ल्स के लिए फ्री होता है, और उनको दोनों को मतलब बॉयज़ और गर्ल्स को सिर्फ एग्ज़ाम फ़ी देनी पड़ती है और वो बहुत ही मिनिमल होती है। तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, तो अगर आपके परसेंटाइल भी अच्छे है, ACPC में अच्छा रैंक बनाए, तो आप रियली चूज़ करो कि DDU में अच्छे से आपको मिल जाए। और सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो सेल्फ फाइनेंस में जो फ़ी है वो ईयर की 1.5 लाख समथिंग है, तो आप गिन सकते हो कि सेम के 75,000 जितनी फीस है। तो फी तो पता चल गई, तो अब हम देखेंगे कि DDU का कैंपस कैसा है, वहाँ के प्रोफेसर कैसे हैं, वहाँ का जो भी स्टडिंग कल्चर है वो कैसा है, और वहाँ हॉस्टल है तो वो कैसी है। तो उसके लिए मैं मेरी फ्रेंड नेहा को बुलाना चाहूँगा। पहले आप पूछते हैं कि वहाँ के जो प्रोफेसर है वो सब कैसे हैं? और DDU स्कूल जैसा ही है पूरा का पूरा, जैसे हमें स्कूल में सारे टीचर्स कैसे सपोर्ट करते थे, हमें गाइडलाइन देते थे कि ऐसा करो ऐसा मत करो, वैसे ही DDU में सारे प्रोफेसर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, लेकिन वो प्रोफेसर पे भी डिपेंड करता है। ड्यूरिंग द लैब सेशन वो बहुत अच्छी तरह से हमें गाइड करते हैं, इफ वी स्टक एनीवेयर दे ऑब्वियसली हेल्प अस, और उनको ऐसा लगे कि हम कर सकते हैं तो वो पहले बोलेंगे कि आप पहले ट्राई करो, फिर हम आपको अगर नहीं होता तो हेल्प करेंगे, इसलिए वो बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं। अगर हम आउट ऑफ सब्जेक्ट भी कुछ भी पूछे तो वो भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, और उन्हें नहीं पता होता तो फिर भी वो उसके बारे में जानकर फिर हमें एक्सप्लेन करते हैं। सो प्रोफेसर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। Yes, और मैंने मतलब वो सुना भी है कि DDU अगर आपको पढ़ना है तो DDU सबसे बेस्ट है, तो वहाँ का सब कुछ अच्छा ही है। तो अब बात करते हैं कि वहाँ का करिकुलम कैसा है पढ़ने के लिए, मतलब अच्छा। हाँ, तो जैसे स्कूल में हम कैसे यूनिट टेस्ट देते थे, वैसे यहाँ पर भी हर मंथ के बाद सेशनल एग्जाम होती है,
एक सेम में 3 सेशनल एग्जाम होती है, फिर बाद में वाइवा होता है और उसके बाद एक्सटर्नल एग्जाम होती है। और सेशनल हो या एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, बीच में एक भी छुट्टी नहीं होती पेपर के बीच में। सो हमें हर मंथ को पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि कॉलेज में तो सीधे एक्सटर्नल में ही पढ़ लेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि सेशनल के मार्क्स भी जो हमारा लास्ट रिजल्ट होता है उसमें काउंट होता है। और अब बात करते हैं कि करिकुलम हो गया और वहाँ का जो हॉस्टल है, तो वो हॉस्टल में अगर डीडीयू में हॉस्टल है तो वो कैसा है? वैसे डीडीयू हॉस्टल सिर्फ गर्ल्स के लिए ही है, लेकिन डीडीयू जो कॉलेज है उसके नज़दीक में वॉकिंग डिस्टेंस पे ही बहुत सारी गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल है और बहुत सारे पीजी भी है। सो यहाँ पे हॉस्टल की बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, बहुत सारी हॉस्टल्स। तो अब हम पूछते हैं कि DDU का कैंपस कैसा है और वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है? बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, प्योरली नेचर में पढ़ रहे हो ऐसा लगेगा। और उसका आर्किटेक्चर भी बहुत मस्त है, ऐसे मजा आता है क्योंकि कैंटीन एरिया भी बहुत बड़ा है और कैंटीन में अंदर बाहर डिफरेंट डिफरेंट जगह है और छोटे छोटे गार्डन्स है, उसमें आप खेल भी सकते हैं, बहुत मजा आता है। वैसे तो पूरी ग्रीनरी है ना, इसलिए ज्यादा मजा आता है। और DDU में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली कॉलेज का बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि सिर्फ ईयर में 2 ही इवेंट होती है, एक तो फेलोशिप वीक होता है और दूसरा कन्वोकेशन होता है। सो ये 2 ही इवेंट होती है और उसके अलावा कोई भी इवेंट नहीं होती, लेकिन बहुत सारे क्लब हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बहुत सारा फन भी है अगर आप अच्छी तरीके से सब में पार्टिसिपेट करें और आप सीरियसली पढ़ना चाहते हो। सो DDU का जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही अच्छा है, वहाँ बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनी आती है, लाइक रिलायंस की कंपनी आती है, टाटा कंपनी आती है और बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनी आती है। और जो वहाँ का एवरेज पैकेट है वो 8 लाख है और जो हाईएस्ट पैकेज है वो 70 लाख है। और मैंने आगे भी बताया है जो हाईएस्ट पैकेज है ना वो कॉलेज पे डिपेंड नहीं करता, वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। सो ये जो 70 लाख अप्रोक्स का जो हाईएस्ट पैकेज है वो आप खुद भी अगर आप कोई भी कॉलेज में जाओ अगर खुद एफर्ट मारो तो आप वो पैकेज पा सकते हो। आपने निर्मा का रिव्यू नहीं देखा और DAACCT का वीडियो नहीं देखा वो आपको यहाँ और यहाँ दिख जाएगा, तो उसको देखो और आपको बहुत ही अच्छा अच्छा नॉलेज मिलेगा उस वीडियो में। तो टिल देन बी हैप्पी एंड बाय बाय।